दिनों में कैसे जदयू के जो भी कार्यकर्ता हैं, नेतागण, कैसे यहाँ पर चुनावी प्रचार करेंगे और जो भी घोषित होता है महागठबंधन का उम्मीदवार, तो हम किसी की ताकत को कम नहीं आंकेंगे, लेकिन जो हमारी ताकत है वर्तमान में महागठबंधन की, तो हमें लगता है कि महागठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं अयाज अहमद। हमारे साथ बिहार सरकार के मद्य निषेध व निबंधन मंत्री सुनील कुमार मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आज वो गोपालगंज आए हुए हैं, गोपालगंज में कटिया में उन्होंने बड़ी सौगात दी है, क्या कितने करोड़ की लागत से सौगात दी जा रही है और क्या फ़ायदा उससे मिले। देखिए, कटिया में जो बाईपास का आज हमने निरीक्षण किया, उसका शिलान्यास बाद में होगा, लेकिन वहाँ थोड़ा बहुत काम शुरू हो चुका है। वो करीब 7.5 करोड़ की लागत से बाईपास बनेगा और निश्चित रूप से कटिया के विकास में सहयोग करेगा वो बाईपास। और वहाँ जो जाम की समस्या थी, या शादी ब्याह के दौरान जाम लगते थे, या जो मरीज हॉस्पिटल को जाते थे, तो इन सबों को बहुत मदद मिलेगी और ओवरऑल डेवलपमेंट में निश्चित रूप से कटिया के डेवलपमेंट में इस बाईपास से फ़ायदा होगा। अभी जो है अपने यहाँ बिहार में विधानसभा उपचुनाव भी है गोपालगंज और मोकामा में, तो क्या कुछ कहेंगे गोपालगंज की खास सीट के लिए? देखिए, यहाँ से निश्चित रूप से महागठबंधन का प्रत्याशी होगा और हम लोग सभी, जो भी गठबंधन का प्रत्याशी होगा, उसके लिए जी जान से मदद करेंगे और मेहनत करेंगे, कैंप करेंगे। और कल भी हमने भोरे में मीटिंग की थी सहयोगी दलों के साथ और हम लोगों ने एक खाका भी तैयार किया है कि आने वाले दिनों में कैसे जदयू के जो भी कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र के और अगल बगल के क्षेत्र के, कैसे यहाँ पर चुनावी प्रचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी घोषित होता है महागठबंधन का उम्मीदवार वो अधिक से अधिक मतों से जीते, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी की जो सरकार है और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी हैं, तो और अन्य पार्टियां इसमें सम्मिलित हैं, कांग्रेस पार्टी है, वामपंथी दल हैं, हम हैं, तो सभी लोग मिलकर निश्चित रूप से अगर प्रयास करते हैं तो हम समझते हैं हमारी जीत ज़रूर होगी। तो क्या लगता है बिहार में, जैसे गोपालगंज में सीटिंग रहा है बीजेपी के 4 बार से, तो ऐसे में कुसुम देवी अगर उम्मीदवार होती हैं तो उनके साथ सिंपैथी वोट भी आ सकता है, तो ऐसे में क्या लगता है कि महागठबंधन जो है NDA को हरा पाएगी? देखिए, हर चुनाव एक चुनौती होता है हर एक पार्टी के लिए, तो हम किसी की ताकत को कम नहीं आंकेंगे, लेकिन जो हमारी ताकत है वर्तमान में महागठबंधन की, निश्चित रूप से अगर हम पूरे मन से और मनोयोग से मेहनत करेंगे तो हमें लगता है कि महागठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। अच्छा, शराब को लेकर बात करेंगे कि बिहार में शराबबंदी है और गोपालगंज में शराब आए दिन पकड़ा जाता है, तो क्या कुछ ऐसा होना चाहिए कि शराब पूरी तरह से बंद हो जाए, लोग जो है लगातार तस्करी कर रहे हैं? देखिए, जब भी कोई कानून बनता है तो कुछ उसे विरोध करने वाले लोग रहते हैं। जो अंग्रेज़ों ने CRPC IPC ईजाद किया, चोरी डकैती को जुर्म माना, लेकिन फिर भी देखते हैं लोग अपराध में लिप्त रहते हैं, जो असामाजिक लोग हैं, जो क्रिमिनल तरह के लोग हैं। उसी तरह जब ये पूर्ण शराबबंदी का एक्ट बना, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इसे पास कराया गया, दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पास किया, तो इसके अनेकों फायदे हुए हैं। सामाजिक सुधार अभियान में भी आपने देखा होगा किस तरह से समाज के हर वर्ग ने, विशेषकर महिलाओं ने कैसे इसका सहयोग दिया। अभी हाल में जो CNLU द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया है उससे भी पता चलता है 90% के लोग इसका समर्थन करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा, कानून जितना भी अच्छा हो, कितना भी प्रोग्रेसिव हो, तब भी उसको उल्लंघन करने वाले कुछ लोग मिल जाते हैं, क्योंकि उल्लंघन करने का यहाँ मतलब है सीधे अवैध कमाई। इसमें कुछ लोग अवैध कमाई देखते हैं, इस वजह से इसमें तस्करी करते हैं, अवैध शराब बेचते हैं या कई बार मैन्युफैक्चर करते हैं।
तो एक्साइज विभाग की और पुलिस विभाग की लगातार सतत पैनी निगाहें ऐसे लोगों पर है। आंकड़े भी बताते हैं कि लाखों लोग गिरफ्तार हुए, हज़ारों लोगों का ट्रायल में कन्विक्शन हुआ, इसके अलावे वाहन जब्त किए गए, कुर्की जब्त की, संपत्ति जब्त की गई, और हमने समय समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किए हैं। तो निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग को इसको इससे फ़ायदा हुआ है, और हम समझते हैं अधिक से अधिक लोग इसका समर्थन करते हैं। कुछ लोग तो जैसा कि हमने कहा समाज में होते ही हैं जो गलत किस्म के लोग, उसका विरोध भी करते हैं और अवैध कमाई के ख्याल से तस्करी करते हैं। सर, एक मामला आपके संज्ञान में आया होगा कि एक उत्पाद विभाग के द्वारा दो बैलों को पकड़ा गया है, उसमें जो है जितने की राशि का जो है उत्पाद विभाग ने दांत के लिए लगाया था, उससे ज़्यादा की राशि उन लोगों बैलों के द्वारा चारा खा गया गया 9 महीने में, तो उसके लिए क्या कुछ खास जो किया जाएगा ताकि उसको भी जो पीड़ित है वो भी उससे परेशान है? देखिए, तो इस तरह की बात एक अपवाद है, ये एक अमूमन इस तरह की बात नहीं देखते हैं, लेकिन कई बार इस तरह का जब चल संपत्ति हुआ, बैल इत्यादि चल संपत्ति है, एक तरीका चूँकि मेरा पुलिस बैकग्राउंड रहा तो इसे आप जिम्मेनामा पर भी दूसरे को दे सकते थे, तो ये तो इस तरह की बातें अपवाद हैं, तो किस्सा कहानी के लिए सब ठीक हैं, लेकिन इससे क्या अमूमन बातें होती नहीं हैं, और इस तरह की बात संज्ञान में आती है विभाग के तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ये हमारे साथ बिहार सरकार के उत्पाद मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार थे, इनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि गोपालगंज आ जाए हुए हैं और इन्होंने 7.5 करोड़ की लागत से कटिया में एक बाईपास सड़क बनाने के लिए निरीक्षण किया उन्होंने, और इसका जो है उद्घाटन भी जल्द किया जाएगा ताकि वहाँ के लोगों को उससे राहत मिलेगी। गोपालगंज से आप देख रहे थे लाइव सिटीज़, मैं हूँ अयाज अहमद।